तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप किस तरीके से ये सर्वे हार्ट वाला जो फॉर्म होता है, आप इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फॉर्म है वो दोस्तों यहाँ पर मेरा फॉर्म है एंड यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट करा है। तो मैंने दोस्तों इसको क्रिएट करा तो मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया एंड कि मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया काफ़ी सारे लोगों ने कि भाई आपने इस फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करा है एंड हम इस फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप इस फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पर इस फॉर्म का यूज किस तरीके से होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप भी दोस्तों एक बात मैं आप सभी लोगों को और बता दूंगा, दोस्तों आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करके कुछ पैसे अर्न करना चाहते हो मंथली, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपको मेरे बायो में जो ये लिंक मिल रहा है इस फॉर्म का, आपको सिंपली इस फॉर्म को फिल करना है एंड इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप मेरे साथ जो है जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर आप किस तरीके से मंथली वर्क फ्रॉम होम करके अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो ये भी बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्म को किस तरीके से इस वीडियो में आपको क्रिएट कैसे करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप जो ऐसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देखें। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी बात करते हैं आज मेरी टैग की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा सर्वे हार्ट। आप जैसे सर्वे हार्ट को सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर ये एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। आपको सिंपली इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करोगे आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी आईडी यहाँ से लॉग आउट कर दी। लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही सॉफ्ट एप्लीकेशन को जो है दोबारा ओपन करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने अभी डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे आप सामने को जिस तरह का इंटरफेस आएगा, आप कोई भी एक जीमेल आईडी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जीमेल आईडी ले लेता हूँ। आपको यहाँ से अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे फॉर्म्स का एंड क्विजेस का। तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करना है। तो हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी तरीके का आप फॉर्म क्रिएट करना चाहें उस तरीके का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर दो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हो या फिर अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे कुछ भी लिख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर जो भी आप काम आप इस जो है फॉर्म में देना चाहते हो आप उस काम के बारे में लिख सकते हो, उस वर्क के बारे में लिख सकते हो। तो दो चीज़ तो हमारी ये हो गई, पहला आपको टाइटल लिखना है एंड सेकेंड आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस फॉर्म को भी जो है ड्राफ्ट में सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं कोई सेकंड फॉर्म ले लेता हूँ, मैं ये वाला फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नेम के, जेंडर के, ईमेल के, मोबाइल नंबर के, एड्रेस के एंड यहाँ पर ये ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी। अब यहाँ से उसको आपको करना है, आपको अगर आप इसके अंदर कोई अदर और भी कोई चीज़ ऐड करना चाहें जैसे इंस्टाग्राम आईडी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है प्लस वाला, यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर पे करना है क्लिक। शॉर्ट आंसर पे क्लिक कीजिए। शॉर्ट आंसर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल लिख देना है इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी लिख दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। यहाँ से आपका जो ये एक और ऑप्शन होगा वो यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी का। आप इसको ऊपर भी लगा सकते हो इस तरीके से। आप यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से लगाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ मच यू आर अर्न इन मंथ, इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं ऑप्शंस को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि क्विज में ऑप्शंस आते हैं आप सभी के पास तीन या चार, तो आप इस तरीके से ऐड ऑप्शन में जाके जैसे कि लिख सकते हो 10,000 या फिर दोस्तों 20,000 या फिर दोस्तों 30,000, आप इस तरीके से लिख सकते हो। एंड इस तरीके से लिखने के बाद आप सिंपली इसको सेव कर सकते हो। अब इसको सेव आप जैसे कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर आपके इस फॉर्म को फिल करेगा तो आप उसको यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो जिस भी ऑप्शन पर चाहे उस ऑप्शन पर टिक कर सकता है। और अगर दोस्तों आप इस फॉर्म को रिक्वायर्ड करना चाहें, मतलब यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है कि रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर ये सारे फॉर्म्स को जो फिल कर रहे हो पूरी तरीके से एंड यहाँ पर कोई पर्सन अगर अपना जेंडर या फिर उसको अपनी ईमेल आईडी देना चाहे तो आप दोस्तों रिक्वायर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर
तक वो अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेगा जब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एंड अगर दोस्तों आप इसको रिक्वायर्ड से हटा देते हो कुछ इस तरीके से, तो अगर वो दोस्तों पर्सन अपना मोबाइल नंबर नहीं भी डालना चाहे फिर भी वो यहाँ पर आपके फॉर्म को जो है फिल कर देगा। मतलब साफ सी बात ये है सीधी सीधी कि अगर आप दोस्तों रिक्वायर्ड को ऑन करते हो तो उस पर्सन को इस जो ऑप्शन है इसको फिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ सकता है, फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है। अगर आप रिक्वायर्ड नहीं करोगे तो यहाँ पर वो पर्सन अगर नहीं भरना चाहे तो नहीं भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपकी वो मर्जी है कि दोस्तों आप रिक्वायर्ड रखना चाहें या फिर नहीं रखना चाहें, वैसे आपको सारे आईडी सारी चीज़ों को रिक्वायर्ड ही रखना चाहिए तो ही ठीक है। उसके बाद दोस्तों इतना काम आपका हो गया, उसके बाद आपको सेटिंग्स पर करना है क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करोगे, 100 लोगों पर आपको क्लिक करना है। 100 लोगों पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने फॉर्म के अंदर फोटो भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये जो मेरा फोटो है वो लगा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से अपने बायो के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो मेरा फोटो है वो यहाँ पर लगा हुआ है मेरे इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके का फोटो भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाकर, ठीक है। आपको 100 लोगों पर करना है क्लिक, डन पर करना है क्लिक एंड यहाँ से आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर, चेंज के ऊपर। चेंज के ऊपर क्लिक करोगे आपको गैलरी के अंदर से कोई सा भी अपना एक फोटो इस तरीके से ले लेना है एंड यहाँ पर आपको ये जो फोटो होगा वो अपलोड हो जाएगा एंड आपके फॉर्म के ऊपर बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको करना है, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट का, सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कर देते हो उसके बाद आपका ये जो फॉर्म जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया एंड आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। अब आपको किस तरीके से देखना है कि आपके फॉर्म में यहाँ पर कहाँ पर एक्टिविटी मतलब किसी ने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी सेकंड आईडी ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ओपन करता हूँ अपनी सेकंड आईडी को ओपन करूँगा। यहाँ पर मेरी ये सेकंड आईडी है, यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये जो फॉर्म है मैंने पहले ही बना रखा है एंड मेरे पास एक रिस्पांस आ गया। तो आप दोस्तों इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्म को किस किस पर्सन ने फिल कराया। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, जो भी पर्सन आपके इस फॉर्म को फिल करेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो आकर, ठीक है। यहाँ पर आप आकर देख सकते हो, फॉर्म आपका ऊपर ही आएगा एंड यहाँ से आप सारी डिटेल्स जो वो चेक कर सकते हो किस पर्सन ने आपके फॉर्म को फिल कराया। रिस्पांस आप अपने चेक कर सकते हो फॉर्म्स का यहाँ पर आकर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए कि आपको किस तरीके से यहाँ पर सर्वे हाट के अंदर जो सर्वे फॉर्म होता है उसको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आप जो इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज वीडियोज़ हमारे चैनल पर सबसे पहले से। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।